इंडिपेंडेंस डे है ना, उसको सेलिब्रेट करने के लिए। इंडिपेंडेंस डे क्या होता है, वो सेलिब्रेट क्यों करते हैं? इंडिपेंडेंस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं ये मैं सब बताऊंगी, लेकिन पहले तुम जाओ, मैंने तुम्हारी ड्रेस निकाल के रखी, उसको जल्दी से पहन कर आओ। मुझे भी मम्मा फ्लैग कलर करना है। आपको भी फ्लैग कलर करना है? ओके, लेकिन खराब नहीं करना, ठीक है? अच्छे से कलर करना, स्लोली स्लोली। ओके वेट, मैं और कलर देती हूँ थोड़ा सा। चल अच्छे से, वेरी गुड, स्लोली स्लोली, यस वेरी गुड। ब्रश को पकड़ो अच्छे से, होल्ड इट प्रॉपरली। पेंसिल कैसे पकड़ते हैं आप, कैसे पकड़ते हो? यस, चलो लाइन के अंदर, वेरी गुड। अरे वाह ईशान, तुमने तो बहुत अच्छा कलर कर दिया फ्लैट में, ब्यूटीफुल। ये ब्रश मुझे दे दो और जाओ जल्दी से, अब रेडी होकर आओ जो मैंने ड्रेस okay. ली। ओके गो 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 गो। देखो मैं रेडी हो गया। अरे वाह, तुम तो एकदम सोल्जर लग रहे हो ईशान। हाँ बैठो, अब मैं तुम्हें बताऊंगी इंडिपेंडेंस डे के बारे में। बताओ ईशान, हमारे फ्लैग में कितने कलर्स होते हैं? 3 कलर। वेरी गुड। पहला केसरिया, सफेद और हरा। तो तुम्हें पता है सबका मतलब क्या होता है? केसरिया ये जो है साहस और बलिदान का प्रतीक होता है, सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक होता है, और तीसरा यानी कि हरा रंग संपन्नता का प्रतीक होता है। ओके, और ये तीनों रंग मिलकर हमारे देश के गौरव को बढ़ाते हैं और भाईचारे का संदेश देते हैं। तो अब मैं तुम्हें इंडिपेंडेंस डे के बारे में बताती हूँ कि हम इसको क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो तुम्हें पता है पहले हमारा देश ना अंग्रेजों का गुलाम था, हम लोग अपने मन का कुछ भी नहीं कर पाते थे, कहीं भी नहीं जा पाते थे, जहाँ रहते थे बस वहीं रहते थे और काम करते रहते थे, हमें अंग्रेजों की बात माननी पड़ती थी, हम लोग उनकी गुलामी करते थे। तो फिर कुछ फ्रीडम फाइटर्स जो है पैदा हुए, उन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान तक दे दिया, तब जाके हमारा देश आजाद हुआ। हाँ, जो तुम आज इतनी बढ़िया बढ़िया जगह घूमने जाते हो, अच्छी अच्छी चीजें खाते हो, पहले हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते थे, लेकिन हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे भारत को आजाद कराने में बहुत योगदान दिया, और आज उन्हीं के बलिदानों के कारण 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। तो इसीलिए हम लोग 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं और उनके बलिदानों को याद करते हैं और आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। अब मैं तुम्हें कुछ फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताती हूँ। ये है भगत सिंह, इन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। जब ये छोटे थे तब इन्होंने जब जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा तो इन्होंने तभी प्रण ले लिया बचपन में ही कि वो हमारे देश को आजाद करा के रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद जी के साथ मिलकर इन्होंने क्रांतिकारी संगठन का निर्माण किया और अंग्रेजों के साथ खूब फाइटिंग करी और हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। हाँ, तुम्हें दूसरे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताती हूँ, ये है चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने भी अपने प्राणों का बलिदान दे दिया हमारे भारत को आजाद कराने के लिए। पता है जब ये 14 वर्ष के थे तब अंग्रेजों ने इनको पकड़कर जज के पास लेकर गए, और वहां पर जब जज ने इनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तब इन्होंने बोला आजाद। उसके बाद जब इनसे पूछा जज ने तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो इन्होंने बोला स्वतंत्रता। फिर जब जज ने इनसे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, इन्होंने बोला जेल। उसके बाद जज ने इनको
15 कोड़े खाने की सजा सुनाई। और जब ये कोड़े खा रहे थे तो पता है ये बार बार वंदे मातरम बोल रहे थे। उसी के बाद से जो भारतवर्ष के लोग थे इनको चंद्रशेखर आजाद यानी कि आजाद बुलाने लगे। और एक दिन जब ये अंग्रेजों से लड़ाई कर रहे थे, फाइटिंग कर रहे थे, तब इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। अच्छा, इनका नाम चंद्रशेखर आजाद है? हाँ, इनका नाम चंद्रशेखर आजाद है। मैंने टीवी में देखा था। अच्छा, वेरी गुड। मैं तुम्हें एक और स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताती हूँ, ठीक है? ये हैं सुभाष चंद्र बोस जी। इन्होंने भी हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए बहुत ही अपना योगदान दिया। इनका कहा हुआ वाक्य, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये वाक्य हमारे देश के नौजवानों में प्राण फूंकने वाला वाक्य था। और इन्होंने भी हमारे देश को आजादी दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगले स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताती हूँ, ये है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इन्हें हम बापू भी कहते हैं। पता है इन्होंने हमारे भारत को आजाद कराने के लिए अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक बार जब ये दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से सफर कर रहे थे तो अंग्रेजों ने इन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया क्योंकि ये भारतीय थे। उसके बाद इन्होंने ट्रेन में नीचे बैठकर सफर किया और फिर उसके बाद उन्होंने अपने मन में प्रण लिया कि वो हमारे देश को आजाद करा के रहेंगे। और हमारे देश को इन्होंने आजादी दिलाने के लिए कई सारे आंदोलन चलाए। और हमारे राष्ट्रपिता बापू जी अहिंसावादी थे, वो अहिंसा में विश्वास रखते थे। और अंततः इन्होंने हमारे देश को आजादी दिला दी। और पता है इसी तरह हमारे देश में कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जन्म लिया और हमारे देश को आजादी दिलाने में अपने प्राणों का बलिदान दिया, हमारे देश को आजाद दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इसी के उपलक्ष्य पे हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा फहराते हैं, ठीक है? हम लोग अपने देश में तो हर त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन हम लोगों को अपना स्वतंत्रता दिवस भी उसी ही धूमधाम से मनाना चाहिए। क्योंकि अगर आज हमारा देश आज़ाद नहीं होता तो हम लोग आज यहाँ पर नहीं होते। अगर हमारे देश में अगर स्वतंत्रता सेनानियों ने जन्म न लिया होता, उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान न दिया होता, तो आज हम लोग अभी जो की गुलामी अभी भी कर रहे होते। इसलिए हम लोग जैसे अन्य त्योहार खूब धूमधाम से मनाते हैं, उसी तरीके से हम लोगों को 15 अगस्त का दिन भी खूब धूमधाम से मनाना चाहिए।